नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में चालकों की हड़ताल से जहां आम जन जीवन परेशान है, वही चालकों द्वारा लगातार रिक्शा चालकों और दूसरी गाड़ियों के ड्राइवरों को रोक टोक कर परेशान कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में मंगलवार को शहर के बस स्टैंड और ट्रैफिक चौक पर ड्राइवरों ने रिक्शा चालक और दूसरे चालकों को जूता का माला पहनाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान ड्राइवरों ने जमकर हो हंगामा मचाया। बताते चले कि देश में पिछले 2 दिनों से ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय में भी ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में ड्राइवर अपने हड़ताल को सफल बनाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्राइवर लोग जो हम लोग बस स्टैंड में खड़ा है, 10 लाख रुपया जुर्माना, 10 बार सजा कौन भोगेगा? बाकी गाड़ी चलेगा, बाकी बंद रहेगा का है? कौन कौन गाड़ी चल रही है, कौन कौन गाड़ी अभी बंद है? सब चल रही है, रिक्शा चल रही है, कहाँ चलाएगा कौन? हम लोग जब खड़ा है सरकार के खिलाफ में, खड़ा कहाँ रहेगा कौन, चलेगा कहे ले? तो इससे पहले आप सूचना दिए हुए थे कि हाँ जितने जो डिलीवर है हर प्रकार के उनको रोड पर आना है, इस तरह का बात आपने रखी अपने संघ के द्वारा? आप सब मनमानी कर रहा है, इसीलिए हम अति कर रहे हैं। चलेगा तुम जी? पास लाइसेंस नहीं है। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।